हेलो एवरीवन, दिस इज समीर। आज के इस वीडियो में हम ऐसे दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने वाले जो कि हर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले तो हम रिजल्ट एनालिसिस के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करने वाले और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिस्कस करने वाले। देखो स्टूडेंट्स, डॉक्यूमेंट्स अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इन सब डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, जो जो इधर मैंने मेंशन किए ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर अवेलेबल नहीं है, तो आपको जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी आपके एडमिशन प्रोसेस के टाइम के लिए। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, और अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ऐसी और इंपॉर्टेंट वीडियोज जो है आपको इस चैनल के थ्रू देखने को मिलेंगे। और जब तक आपका एडमिशन खत्म नहीं होगा तब तक आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट यूजफुल कंटेंट आपको जो है एडमिशन से रिलेटेड इस चैनल के थ्रू देखने को मिलेंगे। तो जल्द से जल्द चैनल को भी सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक करो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रिजल्ट एनालिसिस के ऊपर बात करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको भी पता है इस साल जो है बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है देखने को मिले। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है बहुत कम परसेंटाइल आए, और बहुत सारे स्टूडेंट जो है डिसअपॉइंटेड है, एज वेल एज उनके पेरेंट्स भी जो है बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है उनके रिजल्ट से। तो ऐसा क्यों हुआ? और जिनके 60 बिलो मार्क्स थे उनके जो है 20 परसेंटाइल, 25 परसेंटाइल, 30 परसेंटाइल, ऐसे क्यों परसेंटाइल आए उनको? और जिनके 65, जिनके थोड़े से 5-6 मार्क्स ज्यादा होंगे तो उनके 50 50 अबव परसेंटाइल देखने को मिले। इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों आया? इधर मैंने एक लिखा है, इधर मेरे को 2-3 स्टूडेंट्स का ऐसा मेरे को 5-6 केस देखने को मिले। इधर मैंने 2 केस लिखा है, एक स्टूडेंट्स को जो है सेम शिफ्ट में 78 मार्क्स मिला था और उसी का फ्रेंड था जिसको 72 मार्क्स मिले थे। तो 78 मार्क्स वाले को जो है 82 परसेंटाइल आया एंड 72 मार्क्स वाले को 55 परसेंटाइल आया। तो इतना ज्यादा डिफरेंस, बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है ये, 82 कहाँ पे और 55 परसेंटाइल कहाँ पे, और जस्ट 6 मार्क्स का डिफरेंस है, और वो दोनों के दोनों फ्रेंड्स थे और सेम शिफ्ट में ही उनका एग्जाम था। नेक्स्ट जो है 60 मार्क्स पे जो है उसको 58 परसेंटाइल आया और 58 मार्क्स पे 36 परसेंटाइल। ये भी सेम शिफ्ट वाले ही थे स्टूडेंट्स, और इन ये दो भी जो थे वो दोनों फ्रेंड्स थे। तो इसमें अब आपको क्या करना है? अभी इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों आ रहा है? और ये ग्लीच है या फिर सीईटी सेल से कुछ गलती हुई है? देखो स्टूडेंट्स, अभी मैं तो ये नहीं बता सकता और ये कंफर्मेशन नहीं दे सकता कि आपका रिजल्ट चेंज हो सकता है, बट आप एक ये चीज कर सकते हो कि आप ट्राई कर सकते हो। देखो स्टूडेंट्स, आप जो है ट्राई तो कर सकते हो, एटलीस्ट आप जो है सीईटी सेल को जो है अपना स्कोर कार्ड, अपना एडमिट कार्ड, एज वेल एज जो डिटेल्स है आपके, कितने मार्क्स आ रहे थे, कितने परसेंटाइल आए आपके, और आपके फ्रेंड का भी जो है आपका फ्रेंड का स्कोर कार्ड आप जो है अपलोड कर सकते हैं। फिर देन आप सीईटी सेल को कॉल कीजिए, ऐसा क्यों हुआ, इतना कम परसेंटाइल क्यों हुआ, इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों आया, आप एक बार पूछताछ कीजिए। हो सकता है, पॉसिबिलिटी भी है कि चेंज हो जाए आपका परसेंटाइल। मैं लेकिन ऐसा कंफर्मेशन नहीं दे सकता कि आपका परसेंटाइल चेंज होगा, लेकिन एक बार आप ट्राई जरूर कीजिए। ऐसा हो गया तो आप ही के लिए अच्छा है, आप ही के लिए बेटर है, क्योंकि अभी थोड़े दिन ही बचे जिसके बाद आपको जो है रैंक आपको देखने को मिलेगा और कैप राउंड जो है जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाले। तो जितना जल्दी हो सकता है आप जो है मेल करो, सीटी सेल को कांटेक्ट करो, इसका इसके पीछे का क्या रीजन है, सीटी सेल से जो है आप डिस्कस करो, पूछो कि इतना कम परसेंटाइल क्यों आया और इतना डिफरेंसेस क्यों देखने को मिल रहा है। अगर 5-6 मार्क्स का अगर डिफरेंस है तो 20 20 परसेंटाइल का डिफरेंस क्यों है, ऐसा आप सीईटी सेल से क्वेश्चन रेस करो। maharashtra.cet@gmail.com पे इस मेल पे जो है आप अपना स्कोर कार्ड और अपना एडमिट कार्ड दोनों अपलोड करो, तो आपको जो है रिप्लाई आएगा, या तो फिर आप जो है सीईटी सेल हेल्पलाइन पे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हो। देखो स्टूडेंट्स, ये जो टाइम है बहुत ज्यादा क्रुशियल है आपके लिए। पूरे महाराष्ट्र में 300+ कॉलेजेस है, और 300+ कॉलेजेस में से एक कॉलेज सिलेक्ट करना जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, और ये फेज जो है हर स्टूडेंट्स के लाइफ में आता है। तो आपको अगर डिफिकल्टीज आ रही है कॉलेज सर्च करने में, अगर आप चाहते हैं कि आप जो है काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करें, और आपको जेनुअनली गाइडेंस की नीड है कि मुझे कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, मुझे कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, मुझे कैप राउंड 1 में कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कैप राउंड 2 में बेटर कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके लिए जो है आप काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो। काउंसलिंग हम लोग 1 से 2 दिन में जो है क्लोज करने वाले, ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स रजिस्टर किए हैं। पीसीबी की काउंसलिंग जो है ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है, और पीसीएम की जो काउंसलिंग है अभी ओपन है और 1 2 दिन में वो क्लोज होने वाली है। ये दो नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो। अगर आप काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करते हो तो आपको जो है कॉलेज की लिस्ट हमारे तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। तो नेक्स्ट जो टॉपिक था हमारा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, अभी देखो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका एडमिशन फेज जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो इसमें से जो जो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपको जो है जल्द से जल्द बनाना होगा, क्योंकि एक बार एडमिशन फेज अगर स्टार्ट हो गया तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा।
तो जल्द से जल्द अभी आपके पास 1-2 दिन का टाइम है, तो जितना जल्दी हो सकता है सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई करो। और यहाँ पे जो जो मैं मेंशन किया वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला डोमासाइल, डोमासाइल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसके केस में अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो चल जाएगा, लेकिन डोमासाइल आप जो है जल्द से जल्द बना के लीजिए। नेक्स्ट जो है इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट भी जो है 2022 तक वैलिडिटी होना चाहिए, वो इनकम सर्टिफिकेट आपको बनाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास 2021 का इनकम सर्टिफिकेट है, लेकिन 2022 मार्च 31 तक उसकी वैलिडिटी होती है, वो वाला इनकम सर्टिफिकेट आपको लगेगा। नेक्स्ट जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हो, अगर आपकी एनुअल इनकम लेस देन 8 लाख है, तो जल्द से जल्द ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आप बना के लीजिए, क्योंकि अभी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो उसमें अगर आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं होगा तभी भी चलेगा। आप जो है टोकन नंबर जो है वो अपलोड कर सकते हो, और एट द टाइम ऑफ एडमिशन तब आप जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है सबमिट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है आधार कार्ड, अब आधार कार्ड तो जो है सभी स्टूडेंट्स के पास है, लेकिन उस आधार कार्ड में जो है हर एक स्टूडेंट के आधार कार्ड में कुछ ना कुछ तो मिस्टेक होती है, डेट ऑफ बर्थ में, नेम में, एड्रेस में, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक होती है, या तो फिर नंबर लिंक नहीं होता। तो सारे आधार कार्ड को जो है जल्द से जल्द अपडेट कराओ, और लिंक अपना जो भी आपका एक पर्सनल नंबर होगा वो पर्सनल नंबर वो आधार कार्ड से लिंक करवा लो। ये देखो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे तो ये आधार कार्ड पे जो रजिस्टर्ड नंबर है वही नंबर पे जो है आपका एक बैंक अकाउंट ओपन होगा, उसके बैंक अकाउंट को जो है ये आधार कार्ड आपको लिंक कराना होता है। नेक्स्ट जो है कास्ट वैलिडिटी और कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी, एसटी, ओबीसी, VJNT, कोई भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, तो आपको जो है जल्द से जल्द अपनी कास्ट वैलिडिटी और कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है। और अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपको NCL, दैट इज नॉन क्रीमी लेयर, वो भी जो है आपको जल्द से जल्द बनाना होगा। अगर आपके पास NCL नहीं होगा तो आप एज अ ओपन कैटेगरी कंसिडर किए जाओगे। नेक्स्ट जो है बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का सोचे हो, अगर आपको फीस कंसेशन चाहिए कॉलेजेस में, तो आपको जल्द से जल्द बैंक अकाउंट बनाना है, वो भी जो है नेशनलाइज बैंक होना चाहिए, ऐसा कोई लोकल बैंक नहीं होना चाहिए। तो जल्द से जल्द एक अपना जो है पर्सनल बैंक अकाउंट रेडी कीजिए। अगर आपकी एज जो है 18 अबो नहीं है तो आप जो है स्टूडेंट अकाउंट जो है वो बनता है, स्टूडेंट अकाउंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो है HSC और SSC, इधर के आप जो है मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट, ये दो डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हो, और आपको जो है फोटोज लगने वाली है। तो आप जो है ऐसे करो कि आप जो है 10-12 कॉपीज निकाल के रखो, और वही सेम फोटोज ना पूरे एडमिशन फेज तक वो एक ही सेम फोटो जो है आप यूज करो। ऐसा नहीं कि आप एक बार एक अलग फोटो कॉपी यूज कर रहे हो, दूसरी बार अलग फोटो कॉपी यूज कर रहे हो, ऐसा मत करो। एक ही फोटो की जो है ज्यादा से ज्यादा कॉपीज निकालो, 10-12 कॉपीज निकालो, उतने में जो आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, और वही सारे कॉपीज जो है पूरे एडमिशन फेज में यूज करो। तो ये सारे थे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो जैसे ही कैप राउंड स्टार्ट होगा तो आपको जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है स्कैन करना होता है, इसको अपलोड करना होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आप सीईटी सेल जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते हैं, तभी जो है आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट होता है सीईटी सेल के पास। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे तो आप जो है या तो फिर ओपन कैटेगरी में कंसीडर करोगे, अगर इसमें से कास्ट वैलिडिटी या कास्ट सर्टिफिकेट नहीं रहा तो आप जो है डायरेक्टली ओपन कैटेगरी में कंसीडर किए जाओगे। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, सबके सब डॉक्यूमेंट्स को जो है जल्दी से जल्दी बना लीजिए, ताकि आपको एडमिशन फेस के टाइम जो है कोई डिफिकल्टी फेस ना करना पड़े। यही इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो है मुझे इस वीडियो के थ्रू करना था। होप सो आपको जो है ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। वीडियो यूजफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको अगर जेन्युइनली नीड है तो आप जो है काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो। काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशन लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और आपको जो है कॉन्टैक्ट नंबर भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जो हमें एक बार कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो आप। तो वीडियो को अभी यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।